गर्भ संस्कार में कथाओं के द्वारा शिक्षण देना सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है। बताया जाता है, छोटी छोटी सरल कथाएं संतान के मन पर अमिट छाप छोड़ती है और उनमें भी दिव्य गुण जागृत होने लग जाते हैं। आज इसी कड़ी में एक मानवीय गुण सिखाते हैं, मदद और दया, क्योंकि यह हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। बताया जाता है कि इसकी वजह से हम दूसरों को बेहतर ढंग से समझकर रिश्तों में प्रेम को बढ़ाते हैं। और तो और, शोध में यह भी पता चला है कि जिनके स्वभाव में मदद और दया के गुण होते हैं, वे लोग अपने जीवन में अधिक संतुष्ट रहते हैं, उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। आइए इसीलिए अपनी संतान को यह दिव्य गुण देने के लिए एक प्रेरक कथा सुनाते हैं। सभी माताएं अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रख लें, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर अपनी संतान से कहें, आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक प्रेरक कथा सुनाती हूँ। किशोर नाम का एक लड़का था जो बहुत गरीब था। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद जंगल से लकड़ियां काट के लाता और उन्हें बेचा करता। एक दिन किशोर सर पे लकड़ियों का गट्ठर लिए जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसने रास्ते में एक बूढ़े इंसान को देखा जो बहुत दुर्बल था। उसको देखकर लगा कि जैसे उसने काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाया। किशोर का दिल पिघल गया, लेकिन वो क्या करता, उसके पास खुद खाने को नहीं था, वो उस बूढ़े व्यक्ति का पेट कैसे भरता। यही सोचकर दुखी मन से किशोर आगे बढ़ गया। आगे कुछ दूर चलने के बाद किशोर को एक औरत दिखाई दी जिसका बच्चा प्यास से रो रहा था, क्योंकि जंगल में कहीं पानी नहीं बचा था। बच्चे की हालत देखकर किशोर से रहा नहीं गया, लेकिन क्या करता, बेचारा खुद के पास जंगल में पानी नहीं था। दुखी मन से वो फिर आगे चल दिया। कुछ दूर जाकर किशोर को एक व्यक्ति दिखाई दिया जो तंबू लगाने के लिए लकड़ियों की तलाश में था। किशोर ने उसे लकड़ियां बेच दी और बदले में किशोर को कुछ खाना और पानी मिल गया। किशोर के मन में कुछ ख्याल आया और वह खाना पानी लेकर फिर से जंगल की ओर दौड़ा और जाकर बूढ़े व्यक्ति को खाना खिलाया और उस औरत के बच्चे को पानी भी दिया। ऐसा करके किशोर को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। इसके कुछ दिन बाद किशोर एक दिन पहाड़ी पे चढ़कर लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे आ गया। उसके पैर में बुरी तरह से चोट लग गई थी और वह दर्द से चिल्लाने लगा। तब वही बूढ़ा व्यक्ति भागा हुआ आया और किशोर को उठाया। जब उस औरत को पता चला तो वह भी आई और उसने अपनी साड़ी का चीर फाड़ कर उसके पैर पे पट्टी कर दी। किशोर अब बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। मित्रों, आज इस कहानी को पढ़ते हुए एक वादा करिए कि रोज किसी न किसी की मदद जरूर करेंगे। रोज नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक बार, नहीं तो महीने में एक बार। यकीन मानिए, ऐसा करते हुए आपको बहुत खुशी मिलेगी और लोग भी आपकी मदद जरूर करेंगे। कहा जाता है कि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मदद एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हर इंसान को पड़ती है, चाहे आप बूढ़े हो, बच्चे हो या जवान। सभी के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब हमें दूसरों की मदद की आवश्यकता पड़ती है। आज हर इंसान यह बोलता है कि कोई किसी की मदद नहीं करता, पर आप खुद से पूछिए, क्या आपने कभी किसी की मदद की है? अगर नहीं, तो आप दूसरों की मदद की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मित्रों, दूसरों की मदद करके भी हम असल में खुद की ही मदद कर रहे होते हैं। जब हम दूसरों की मदद करेंगे, तभी जरूरत पड़ने पर कोई दूसरा भी हमारी मदद करेगा।